कांग्रेस में अब कारपोरेट कल्चर दिखाई दे रहा है। पीसीसी में लगाया रविवार अवकाश का बोर्ड, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान सामने, यही है इटालियन संस्कृति। यह आशीष अग्रवाल का कहना है, क्या कोई राजनीतिक कार्यालय का अवकाश होता है? मजाक किया उन्होंने, तंज कसा, लेकिन कांग्रेस में होता है, गजब है एमपी कांग्रेस, ये उन्होंने कह दिया। अब समझिए आप कि कैसी गलतियां हो जाती है और गलती का खामियाजे भी भुगतना पड़ता है और सामने जो पार्टी होती है उसको बोलने का मौका मिल जाता है। तो क्या कहा आशीष अग्रवाल ने, सुनिएगा। देखिए, हम तो पहले ही कहते हैं कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो एक परिवार के लिए काम करती है, और ये इटालियन संस्कार ही तो हो सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में होने वाला दल, समाज सेवा के लिए समर्पित होने वाला दल कैसे किसी दिन अवकाश पर हो सकता है? तो स्पष्ट दर्शाता है कि ये इटालियन सोच है, कॉरपोरेट कल्चर है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कॉरपोरेट कल्चर दिखाई देता है और वैसे भी इटालियन संस्कृति के आधार पर ही ये सब चलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, क्या राजनीतिक दफ्तर कभी 11 से 6 कोई टाइमिंग होती है? तो मौका मिला है बोलने का, स्वाभाविक है, आपने दे भी दिया, लेकिन इसको क्या माना जाए, क्या पारदर्शिता माना जाए, साफ सुथरापन माना जाए? लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर लगे बोर्ड तोड़े गए, कांग्रेस नेता ने ही गेट पर लगे बोर्ड को हटा दिया है। विवेक त्रिपाठी, अमित शर्मा ने बोर्ड हटाए हैं। कांग्रेस सरकारी दफ्तर नहीं है, ये अमित शर्मा का कहना है, 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहेगा दफ्तर। सरकारी दफ्तरों की तरह ही एमपी कांग्रेस में अब कॉर्पोरेट कल्चर की दस्तक देखने को मिल रही है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बाकायदा बोर्ड लगाकर उसमें खुलने और बंद होने का समय दिखाया गया, जिसे आप देख भी रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब ये मसला गरमाया, मीडिया में आया, तो फिर इस बोर्ड को तोड़ दिया गया और अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि दफ्तर पूरे समय खुला रहेगा। अभी तो रविवार के दिन इसकी बाकायदा छुट्टी थी, 11 से 6 कार्यालय का समय था, लेकिन अब कोई छुट्टी नहीं, अब पूरे समय खुला रहेगा। अब देखेंगे कि अगले रविवार क्या होता, आने वाले रविवार के दिन क्या दिखाई देता है। लेकिन क्या दिखाई दिया, तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त कैसे तोड़ा गया उसका। तो ये वो पहला बोर्ड है जो लगा था, बाद में दूसरा बोर्ड आप देखिए जो नीचे पड़ा, यानी वही बोर्ड जब टूट गया तो उसमें 1 से 6 दिख रहा है बस। लेकिन पीसीसी कार्यालय तोड़ दिया, कार्यालय का मतलब जो बोर्ड लगा है वो, मैं पीसीसी कार्यालय की बात नहीं कर रहा हूं इस समय, तो उसमें रंग रोगन किया जा रहा है। लेकिन रविवार का अवकाश भी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये वो बोर्ड था जो पहले लगा था, और ये वो तस्वीर। सियासत जब इस पर गरमाई, मीडिया में ये मसला छाया, तो फिर इसको तोड़ना पड़ा, विवेक त्रिपाठी ने बोर्ड को तोड़ दिया। तो अजब है कांग्रेस, गजब है कांग्रेस। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर में वो जिसमें बोर्ड लगा है और एक तस्वीर वो जिसमें बोर्ड टूटा हुआ नीचे डाला, तो अपने ही बोर्ड को तोड़ना पड़ा है। अब किसके कहने पर ये बोर्ड लगा था, सवाल तो ये भी बड़ा होता है, क्या पीसीसी चीफ की तरफ से कहा गया था कि बोर्ड लगा दीजिए, या पीसीसी चीफ बहुत काम करवा रहे तो लोगों ने कहा कि ठीक है कुछ दिन तो छुट्टी दीजिए हमें, 6 बजे के बाद हम नहीं आएंगे, रविवार का अवकाश हमें दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि आप सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में तो कम से कम बहुत बुरे हाल है, 29 लोकसभा हार गए, 163 विधानसभा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना ली, उसके बाद बोर्ड लग रहा है कि 11 से शाम 6 बजे तक हम लोग मुलाकात कर पाएंगे कांग्रेस कार्यालय में। चलिए, सूरज जुड़ गया हमारे साथ, हमारे सहयोगी सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, क्या कहेंगे आप, मैं देख रहा हूं बोर्ड हटा भी दिया गया, तोड़ भी दिया गया, किसने सलाह दी दी थी ये कि बोर्ड लगा दीजिए? देखिए, बिल्कुल, बोर्ड को लेकर भी कांग्रेस नेताओं में अलग अलग मत नजर आ रहे हैं मनोज जी। खासतौर से सुबह जब हमने तस्वीर दिखाई थी तो ये वो पीछे की दीवार है जहां पर बोर्ड लगा था, जो आप देख सकते हैं कीलों के निशान भी नजर आ रहे हैं कि 10 से 6 और संडे के दिन अवकाश। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही नेताओं को पता चला, उन्होंने तमाम तीनों बोर्ड हैं वो तख्तियां हटा दी, कुछ तोड़ दी, कुछ निकाल दी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाली, 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे खोलकर रखने वाली कांग्रेस आखिर समय की इतनी पाबंद क्यों हो गई? वरिष्ठ प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं अमित शर्मा, उनसे बात करेंगे। आप लोगों ने पहले बोर्ड लगाए, तो क्या लगता है आप सरकारी दफ्तर की तरह कांग्रेस चलेगी? देखिए, बोर्ड कर्मचारी कार्यालय के बाहर लगना था, एक कर्मचारी ने जो ये काम कर रही है लेबर, उसके द्वारा गेट पर लगा दिया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से ठीक करा गया। मैं नहीं समझता कि कोई राजनीतिक विषय है, और कई तरह के बोर्ड लगाए गए हैं,
त्रुटिवश उसने बोर्ड लगाया जिसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। ये सेवा और समर्पण का कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का। आपके ही वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि कुछ देर पहले हमने बात की थी, वो बोले कि नहीं है वो 10 से 6 इसलिए या 11 से 6 ताकि कार्यकर्ता परेशान ना हो, अध्यक्ष जी ने कहा इसलिए लगाए गए हैं, तो क्या लग रहा है कि अंदर ही अंदर भी समन्वय नहीं है? देखिए, किसी तरह का कोई असमन्वय नहीं है, सब समन्वय है और कोई वाद विवाद नहीं है। कांग्रेस जीतू पटवारी जी का हमेशा निर्देश है कि 24 घंटे 365 दिन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को 24 घंटे भी खड़ा होना पड़ेगा, पहले भी खड़ा हुआ है और आज भी खड़ा होगा, ये निसंदेह कहीं ना कहीं त्रुटि का विषय था जो क्लियर कर ली गई है। बिल्कुल, त्रुटि इसे बताई जा रही है कि 24 घंटे हम कार्यकर्ताओं के बीच में है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जब इतने बड़े कार्यालय में रंगरोगन हो रहा है, बाकी पट्टियां भी लगाई गई हैं, स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है, तो 3 बोर्ड जो कि 3 बड़े गेटों पर लगाए गए हैं, क्या वो त्रुटि थी या वाकई ऊपर से आदेश दिया गया था कि 10 से 11 से 6 कार्यालय खुलेगा और संडे को अवकाश? और आमतौर पर चलिए सूरज में समझ गया हूँ, लेकिन 3 बोर्ड यदि 3 गेट पर लगते हैं तो मसला तो साफ है कि बोर्ड तो सोच समझ कर लगाया गया था। हालांकि इसको लेकर आप देखिए, मत भी सुनिएगा, अब्बास हफीज से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे क्यों नहीं, हम जो करते हैं वो खुल के लिख दिया, दूसरे कार्यालय में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने जो किया था बाकी बाद में हटा दिया। अमित शर्मा कह रहे हैं कि वो बोर्ड कहीं और लगना चाहिए था, इतने कर्मचारी तो कांग्रेस में काम नहीं करते हैं कि बोर्ड उनके कार्यालय के सामने लगना था, लेकिन 3 बोर्ड लगाए गए थे बाकायदा जैसा सूरज बता रहे, उसके बाद राजनीति गरमाई, मीडिया में मसला छाया तो बोर्ड तोड़ दिया गया।